हेलो फ्रेंड्स, आप सबकी मनपसंद रेसिपी जानते हो? जी हाँ, आज बना रही हूँ बिरयानी। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर ले लिया है मैंने प्याज, और इसे अभी जो मैं स्लाइस बनाऊंगी, पहले जो करती थी उस तरह के नहीं, मैंने सीखा है नया स्टाइल। तो चलिए, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देख सकते हो, चलिए ये देखिए, इस तरह से। जी हाँ, इस तरह से इसके स्लाइस करनी है। देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ना, और ज्यादा मोटा भी नहीं, एकदम पतला भी नहीं, एकदम इस तरह से कट लगानी है। तो चलिए, मैं झटपट से इसे स्लाइस कर लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करनी है। ये देखो, देख सकते हो ना फ्रेंड्स। अब चलिए, इसकी जो कलियां है ना, इसको बिल्कुल एक से दूसरे को, एक दूसरे को अलग अलग कर देना है। चलिए, मैं स्किप करके दिखा रही हूँ, मैं पहले से काट कर रखी हूँ। तो सारे का सारा ये अलग करनी है, और फिर इसे मैं क्या करूँगी, ये देख सकते हो। चलिए, मैं धीरे धीरे आपको दिखा रही हूँ। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये देखो, ढेर सारा हो गया। कितना लिया है, क्या क्वांटिटी, सब चीज मैंने लिख कर दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। अब ये देखिए, मैंने मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं, और जो बड़े थे उनको बीच में से कट लगा लिए हैं, और फोर्क की सहायता से इसे छेदा कर लीजिए। और ले लिया है धनिया पत्ता, साथ में हरी मिर्च। हरी मिर्च की मात्रा ना थोड़ा ज्यादा रखिएगा फ्रेंड्स, बता रही हूँ क्यों। इधर पैन गरम हो चुका है, साथ में दे दीजिए सनफ्लावर ऑयल। तेल गरम हो चुका है, अब पहले ना हम इसमें बेरस्ता को बना लेते हैं। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, बेरस्ता के लिए ना ज़्यादातर मैं देखती हूँ बोलते हैं कि मतलब ज़्यादा ऑयल लेना है, ताकि प्याज डूबा हुआ रहे, जल्दी वो बन जाते हैं और अच्छे भी बनते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर उस हिसाब से नहीं लिया है, मैं यहाँ पर इसलिए इतनी ऑयल ली हूँ कि ताकि हम मेरी जो रेसिपी है ना, उसमें ये ऑयल पूरी तरह से लग जाए, उसे जमा करके दूसरी रेसिपी में यूज़ नहीं करनी है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, ये गुलाबी हो चुके हैं। अब ये स्किप करके दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा हो चुका है इसका कलर। देख सकते हो फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है ना, आप भी इसी तरह से बनाना। तो चलिए, इसे मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसी ऑयल में ना हमने जो आलू रखा है उसको फ्राई करना है, और आलू को फ्राई करना है 70% तक। ये देखिए, चलिए मैं आलू को सेट कर देती हूँ इसमें। देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं आपको, जो ये पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही है, पता चल रहा है ना दिवाली है, तो वही सब एंजॉय कर रहे हैं। चलिए, और मैं आपके लिए बना रही हूँ बिरयानी। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, इसका कलर कितना अच्छा हो गया ना। कोई कोई है ना इसमें फूड कलर यूज़ करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, हेल्दी डिश ही पसंद करती हूँ। और आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि आप भी वही यूज़ कीजिए जो आपके सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, वो कोई बात नहीं, लेकिन फूड कलर वगैरह जितना हो सके मत ही यूज़ कीजिए, मैं सजेस्ट करती हूँ। तो चलिए, इसे ना मैं एकदम लो टू मीडियम करके ही बार बार कर रही हूँ, स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हो, इसका कलर ब्राउन हो ही रहा है, और थोड़ी सी हमें पकानी है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पका के मैं इसे निकाल के साइड में रखूँगी। तो चलिए, थोड़ा सा कुछ देर के लिए इसे पकने देते हैं। ये ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, ये बाहर से ही पके हैं, अंदर से ये अभी भी कच्चा ही है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। तो इसे तो दूसरे टाइम भी पकने हैं, तो ये मैं क्या करूँगी, इसे अभी निकाल के रख देती हूँ। ये देखो, बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये देख सकते हो। तो चलिए, अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ,
और अब थोड़ा सा ना ये थोड़ा ज़्यादा ऑयल है, तो इसमें से मैं कुछ ऑयल निकाल के हमें क्या बनाना है, ग्रेवी बनानी है। चलो ये देखो, इसके लिए ले लिया है लहसुन, और लहसुन को आप घिस भी सकते हो, पेस्ट भी बना सकते हो। मैंने यहाँ पर घिस लिया है, तो कुछ देर लहसुन को फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पर रख दिया है प्याज, और किसकी क्या क्वांटिटी है वो मैंने सारा के सारा लिख कर दे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। चॉप करके रख दिया था, और इसे भी थोड़ा सा मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इसमें और क्या ऐड करती हूँ आप देखते जाइए धीरे धीरे। और ये जो प्रोसेस है ना, ये भी फ्रेंड्स एकदम धीमी आंच में पकानी है, क्योंकि मसाले अच्छी तरह से पकने हैं। ये देखिए दे दिए हैं टमाटर, और फ्रेंड्स एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पर आप लाल मिर्च पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और फिर से मैं बोल रही हूँ, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, लाल मिर्च बाजार से खरीद कर मत लाइए, घर में गोटा मिर्च ला कर आप मिक्सी में चला लीजिए और बना लीजिए लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर मैं हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, तो हरी मिर्च कितना तीखा है वो तो आपको समझकर इसमें यूज़ करनी है। साथ में दे दीजिए हल्दी पाउडर, और ये दे दिया है नमक, और फिर से इसको मिक्स करती हूँ, और फिर अब इसमें क्या ऐड करती हूँ चलिए मैं दिखाती हूँ, जो कि मैंने घर में ही बना लिया है। ये देखो हमारा सीक्रेट बिरयानी मसाला, वाह, इसे देते ही एकदम ओहो, इसकी जो एरोमा है ना बहुत ही बढ़िया है। चलिए अभी भी बाकी है, धीरे धीरे करते जाने हैं, और इसमें बिरयानी में तो आपको टाइम देना ही है। तो चलिए इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है खट्टा दही। खट्टा दही ये देखिए मैंने फेट कर रख दिया था। चलिए अभी जल्दी से इसे डालते ही ना, कच्ची को एकदम कंटिन्यू चलाते जाना है, फ्लेम को हाई कर देना है। तो चलिए इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपसे बताती हूँ कि दही कौन सा लेना है। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखो इसे डाल दे ना फ्रेंड्स, देख सकते हो आप ऑयल छोड़ रहा है। इसकी वजह मैं बता दूँ, मैंने यहाँ पर जो दही लिया है ना, इसमें बहुत सारा मलाई था, तो उसको इसके साथ ही फेट लिया है, तो इसलिए इतना ऑयल छोड़ रहा है। ये सारे के सारे मलाई का ही ऑयल है, इसका इसके वजह से जो टेस्ट आएगा ना, तो चलिए दिखाते हूँ। और बाउल को धोकर भी पानी इसमें ऐड कर देती हूँ, ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाए। और फ्रेंड्स जो मैं बोल रही थी दही के बारे में, एक बात बताना चाहूँगी, मिठाई के दुकान से लाया हुआ दही बिरयानी में बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें ना शक्कर मिली हुई रहती है, तो उसका टेस्ट ना उतना बढ़िया नहीं आएगा। या तो आप घर में बना लीजिए, या तो जहाँ खट्टा दही मिलते हैं वहीं से आप लाइए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। तो चलिए मैं इसे ना अभी एकदम धीमी आँच में पकाऊँगी, और देख सकते हो मैं स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। फिर अभी ढक्कन लगा देते हैं, इसकी जो खुशबू है ना वो पूरी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। तो चलिए अब इसे हमें निकाल बाहर रखनी है। अब चलिए इसे मैं साइड में रख देती हूँ, साथ में ले लेती हूँ एक कुकर, ये मैं कुकर में कर रही हूँ, ये देखिए। और डाल दिया है 1.5 लीटर पानी। यहाँ पर मैंने चावल लिया है 450 ग्राम, ठीक है, तो उस हिसाब से 1.5 लीटर पानी दे दिया है, बिल्कुल सही माप है। और ये जो ऑयल है ना, ऑयल जो हमने बेरस्ता भी बनाया था वही ऑयल है, आलू को भी फ्राई किया था। साथ में दे दीजिए जावित्री, दालचीनी, स्टार फूल, तेज पत्ते, और थोड़ी सी नींबू का रस। इसी से तो ट्विस्ट होगा फ्रेंड्स, और ये हमारे बिरयानी मसाला। तो चलिए इसे बॉईल होने देते हैं। अब मैं ट्विस्ट दिखाती हूँ आपको, क्या ट्विस्ट करने वाली हूँ। ये जो दावत के बिरयानी किट देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, मैं स्मार्ट बाजार गई थी, वहाँ पर मुझे गिफ्ट में मिला था, तो वही मैं आज यूज़ करूँगी। देखती हूँ क्या क्या है। ये देखिए बिरयानी पेस्ट, चलिए इसे साइड में रखती हूँ। ये है कुछ खड़े मसाले जो मैं पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ, दालचीनी, तेजपत्ते, और है यहाँ पर इलायची, और लौंग, और काली मिर्च।
तो चलिए इसे भी उसमें डाल देती हूँ पानी में, ये देखो। चलिए और यहाँ पर जो ये जो पेस्ट है ना मैं यूज़ करूँगी, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यूज़ करूँगी। और ये जो राइस है यहाँ पर 200 ग्राम है और ये है रायते के मसाले। अब ये जो चावल है ना मैं पहले से ही भिगो के रखी थी और बहुत ही बढ़िया है, कोहिनूर का है बासमती राइस। तो चलिए इसे इसमें दे देती हूँ। और पानी फ्रेंड्स इतना पानी यूज़ करनी है कि पानी एकदम राइस पूरा पक जाए और थोड़ा सा ही आपको इससे निकालनी है, ज़्यादा पानी नहीं निकालनी है। जितनी खुशबू इसकी रहेगी ना उतनी अच्छी टेस्ट आएगी बिरयानी में। तो चलिए राइस हमारा, राइस को पकाना है 70%। तो हमारा राइस हो ही चुका है, अभी मैं इसे पूरा पानी से अलग करने वाली हूँ। तो चलिए। और फ्रेंड्स अब जो मैंने पहले ग्रेवी बनाई थी ना तो उसे साइड में रख दिया है और पैन में ले लिया है दावत बिरयानी का जो किट मिला था उसकी जो पेस्ट है वो आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये पेस्ट में से ना बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है, तो वो तो आपको नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, आप ना वो जो ग्रेवी बनाई हो उसी से भी बना सकते हो। और यहाँ चावल से मैं जो खड़े मसाले हैं ना वो निकाल देती हूँ, ये देख सकते हो सारा का सारा इसमें निकाल दीजिए, नहीं तो फिर राइस जब आप मुंह में डालोगे ना तो उसके साथ ये सब आ जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। चलिए अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसे अभी पूरा सब कुछ रेडी है, इसे अभी हमें सेट करके दम में लाना है, सॉरी दम में बिठाना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने कुकर ले लिया है और ये 3 लीटर के कुकर है। तो पहले दे दिया है चावल, उसके बाद मसाले के साथ मिक्स किया हुआ आलू और मैंने जो अलग से ग्रेवी बनाए थे ना ये देखिए उसे भी इसके साथ ऐड कर रही हूँ। चलिए इसकी जो लेयर है ना फिर सेकेंड लेयर लगा रही हूँ, ये देखो इस तरह से। आप चाहो तो एक बार में ही पूरा आलू को डालकर ऊपर से चावल डालकर दे सकते हो, लेकिन मैं 2 लेयर बना रही हूँ। और यार मुझे लगता है ना ये कुकर मेरे लिए सही नहीं था, 5 लीटर के होते तो बहुत अच्छा होता, अभी मैं उठा भी नहीं सकती हूँ। ये देखो चलो बचा हुआ सारा का मसाला इसमें डाल दो, और क्योंकि मैं 2 ही लेयर बना पाई हूँ। चलो और फिर क्या करूँगी, राइस को ना ऊपर से डाल देती हूँ। चलिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो दिख रहे ना छोटे पड़ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो ये खिलेंगे ना, देखती हूँ क्या रिजल्ट निकलता है। चलिए ये देखो हो गया है, वाह कितना अच्छा कलर, देखो फ्रेंड्स बिरस्ता का कितना अच्छा कलर है। और साथ में मैं वो जो धनिया पत्ता है ना वो रखी हूँ वो भी इसमें डालती हूँ और पुदीने के पत्ते भी इसमें मिला रही हूँ, साथ में हरी मिर्च और ये घी 2 टेबलस्पून दे दीजिए। और फिर अभी इसमें ना आटे की ज़रूरत नहीं है, साथ में ये तो ज़रूरी है केसर दूध में भिगोया हुआ, ढक्कन लगा कर फाइनल हो चुका है, तावा गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पे, 40 मिनट्स तक हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। अब स्किप करके मैं दिखा रही हूँ आपको, चलिए ये देखो बन गया हमारा बिरयानी, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो वाओ कितना खिला खिला है ना राइस, ये देखो ये देख सकते हो फ्रेंड्स। तो आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरी ये प्रोसेस भी आपको पसंद आए या नहीं मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर, और नहीं भी पसंद आए तो भी यार रिस्पॉन्स तो करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप सब खुश रहे अच्छे रहे और एंजॉय कीजिए दिवाली के मज़े लीजिए और ध्यान से पटाखे फोड़िए।
तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।